हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। देन कोपा अमेरिकन लीग का एक ही ग्रुप स्टेज के कल दो मैच हैं, एक है कोलंबिया का, एक पराग्यू का। तो ब्राज़ील का पहला मैच हुआ था कोस्टा रिका के साथ, जो 0-0 से ड्रॉ हो गया था। और ब्राज़ील के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एक आध गोल करने की, मैच जीतने की, लेकिन इन्होंने गंवाई। तो मैं ब्राज़ील के लिए बुरा लग रहा है, मेरे को ब्राज़ील वालों को भी लग रहा होगा, लेकिन गलती प्लेयर्स की है भाई। जब तुम गोल ही नहीं कर पाए तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग भी। चलो, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें इस मैच की, तो ब्राज़ील टीम तो मैं तो कहता हूँ भाई बहुत फाड़ू टीम है। ब्राज़ील के जो प्लेयर हैं वो बड़ी बड़ी लीग्स में खेल रहे हैं भाई। कोई बंदा बुंडेसलीगा लीग में है, ज़्यादातर स्पेनिश लीग में है, मतलब बटे हुए हैं, कहीं ब्राज़ीलियन लीग में है, और पराग्यू के आधे से ज़्यादा प्लेयर तो मतलब कहीं छोटी डोमेस्टिक लीग्स में खेलते हैं। तो ये मैच जीतना चाहिए ब्राज़ील को। अगर ब्राज़ील नहीं जीतती तो मैं कहता हूँ बहुत बहुत बेकार, फिर तो यार ये ग्रुप स्टेज से बाहर ही हो जाए। पर अगर जीतती है तो वही मैं चाहता हूँ, ये जीते क्योंकि वर्ल्ड टॉप क्लास टीम है। आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करूं तो विनीकियस जूनियर, देखिए भाई जूनियर बहुत पावरफुल प्लेयर है। पिछले मैच में एक भी शॉट ऑन टारगेट ना लगने का मतलब है प्रेशर। पहले मैच में प्रेशर, समझ नहीं आई किस चीज़ का प्रेशर था। आर्गोस, ये भी भाई साहब रियल मैड्रिड में खेलते हैं, दोनों एक साथ एक ही कंट्री के एक ही क्लब में खेलते हैं, ऐसा बड़ा कम होता है, लेकिन होता है तो बहुत अच्छा समझना चाहिए इनको एक दूसरे को। एंड ऑपोजिशन टीम में देखिए, मेरे को आर के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डोमेस्टिक लीग का काम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर मुझे सेव जाना पड़ेगा भाई सौसा के साथ, क्योंकि रोमेरो खेल नहीं रहा। रोमेरो खेल रहा होता तो मैं ज़रूर लेता, लेकिन रोमेरो लास्ट मैच में भी सब्स्टिट्यूट था, तो मैं कैसे ले लूँ। एंड मिडफील्डिंग में बात करें तो देखिए भाई, अपना ए रोमेरो को इन्होंने भेजा नहीं, जबकि रोमेरो ऐसा बंदा है जो किसी भी सिचुएशन में गोल कर दे, उसको भेजा नहीं। एंड इन्होंने एलमिरोन की बात करूँ तो एलमिरोन जैसे प्लेयर को भी इन्होंने भेज दिया था, जो कि इनफॉर्म है ही नहीं। तो अगर ये बंदा खेलता है और 20 पॉइंट भी देता है तो वसूल है। उसके बाद रॉजर्स की अगर बात करूँ तो देखो, रॉजर्स का क्या है कि रॉजर्स की जगह पर आप कोई भी प्लेयर और ले सकते हैं। अगर आपको इफ़ यू वांट पॉइंट्स तो मैं कुबास प्रेफर करूँगा, बिना गोल करे अगर आपको 30-40 पॉइंट चाहिए तो इससे बेहतर प्लेयर आपको पूरी टीम में नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको लिख के दे दूँ। एंकिसो पे तो चलो मेरे को ट्रस्ट नहीं है, एंकिसो ने गोल किया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपन लोग नहीं ले सकते। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में एलपैक्यूता एंड रफीना, इन दोनों की जगह और कोई नहीं। मार्टिनेली भले ही प्लेइंग 11 में आए, लेकिन आपने नहीं लेना। ब्रूनो गुमेरस को नहीं लेना क्योंकि आपने पैक्यूता को ले लिया है। या तो पैक्यूता ले लो या ग्रुमेरस ले लो, मैं तो पैक्यूता के साथ हूँ। और नीचे से बात करें, विक्टर गॉम्स हो गया, ई पैप हो गया, परेरा हो गया, ये बहुत फ्लॉपी प्लेयर हैं। सिर्फ मोरेरा अच्छा है अगर वो खेलता है, मतलब आपने मेन प्लेयर ले लिए हैं। डिफेंडिंग में मार्कुइनोस, एजर मिलिटाओ, डी लुइस डी सिल्वा की जगह पर मैंने मैगलेस लिया था, मैगलेस खेला नहीं था तो फिर मैंने लुइस को ले लिया। लेकिन फोर्थ डिफेंडिंग में इनका एरेना करके कोई प्लेयर है भाई, बहुत अच्छा खेला था, तो ये जरा नज़र में रखना। इसका गोल रह गया था भाई, मतलब आपको लुइस लग रहा है वैसे अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसका गोल रहा था तो मैं तो देखो रिस्क लूँगा एरेना के साथ, आप देख लो बाकी। एंड गोल कीपिंग सेक्शन में यू हैव टू गो विद कॉर्नल। तो ये मेरी पहली टीम जिसको मैं कहूँगा ए बी रॉक्स पर्सनल टीम, ठीक है, जिसमें मेरा कैप्टन होगा जूनियर, वाइस कैप्टन मेरे भाई होगा अर्गोस, रफीना भी रख सकते हो बैकअप में, ये मेरी पहली टीम है। और मेरी दूसरी टीम जो है, जैसे कई लोग ना जीएल में दो लगाते हैं, कई लोग स्मॉल लीग में भी दो दो से खेलते हैं ज़्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके, तो उनके लिए मेरी दूसरी टीम ये है कि वो लोग पैक्यूता की जगह पर लुइस को ले सकते हैं। ये मेरी दो टीम ये है विद, अगर आपको क्लीन शीट का लालच है तो इसके साथ जाओ, नहीं है तो इसके साथ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।